Welcome to Current Affairs GPT-06. Okay, this is the sixth version of Current Affairs GPT. Here we take important questions MCQs for one complete week. तो आज जो हम डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी फॉर द वीक फ्रॉम 20th अगस्त टिल 26th अगस्त. सो 20 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होती हैं, उससे रिलेटेड MCQs वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. बिफोर आई स्टार्ट माई डिस्कशन, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म वन थिंग. एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू? To just confirm the audibility and visibility in this regard, we are going to continue with our discussion. Is it clear to everyone? And date I already confirmed. Or हर week this is the way we are going to go for 7 days का मतलब जो 1 week होता है. तो from Sunday to Saturday is the week we consider. तो from 20th August to 26th of August is the week we are going to take into the consideration. Most of the questions which are being asked here belongs to they belong to the Hindu, है ना? तो मोस्टली अगर आप द हिंदू प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो मोस्टली द आंसर्स क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय यू, राइट? सो हियर इन आई स्टार्ट माय डिस्कशन. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. क्लियरली ऑडिबल? यस. चलिए, वंस यू कंफर्म वी आर स्टार्टिंग इट, राइट? तो दिस इज द सिक्स्थ एपिसोड एंड द क्वेश्चन नंबर वन. आई विल गिव यू इनफ टाइम. यू वॉन्ट टू रिप्लाई, यू कैन रिप्लाई, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल वन, है ना? एंड सिंपल वन बिकॉज आई विल गिव यू माई हिंट रिलेटेड टू द पीएम मोदीज विजिट टू दिस प्लेस, है ना? टोम ऑफ अननोन सोल्जर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, है ना? और ये किससे रिलेटेड है? पीएम मोदी कुछ समय पहले इस पर्टिकुलर सिटी गए थे, राइट? सो दैट इज द बिगेस्ट हिंट आई कैन गिव यू एंड इट्स अ वेरी सिंपल वन. तो यू जस्ट नीड टू आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड पीएम मोदी वेंट डिड पीएम मोदी गो टू, राइट? एंड ही विजिटेड दिस प्लेस, टोम ऑफ अननोन सोल्जर. तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है, यस, वेरी गुड पार्थ, गार्गी, मनु, एवरी वन ऑफ यू आर आंसरिंग करेक्टली. मंगल, शिवकेश, बिल्कुल बिल्कुल शिवेश, यस. द फर्स्ट आंसर, द क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट, द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज एथेंस. देखिए, पीएम मोदी वेंट टू ब्रिक्स समिट. ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका. तो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स समिट हुई, उसके बाद में ही वेंट टू ग्रीस, और ग्रीस उनको इन्वाइट किया गया था. सो वहां पर व्हेन ही वेंट टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, टूम ऑफ अननोन सोल्जर्स, ऑन 25th ऑफ अगस्त 2023. तो यहां पर हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, दैट इज गोइंग टू बी एथेंस, शुड बी द करेक्ट आंसर हियर. ए एंड मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू, व्हिच कंट्री हैज इनिशिएटेड द प्रोग्राम टू टैकल डेजर्टिफिकेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वहां पर जो डिफॉरेस्टेशन की जो इश्यूज है, जो एफॉरेस्टेशन वहां पर करना है, हाउ मच एरिया इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट, हाउ कैन इट कैन बी डन बेटर, उस ताल्लुक में दे आर ट्राइंग टू यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इम्प्रोवाइज ऑन द डेजर्टिफिकेशन. जो डेजर्टिफिकेशन मतलब जो रेगिस्तान जो ना वो बढ़ रहा होता है, या उसको कम करने की जो कवायद होती है, उस ताल्लुक में दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय वन कंट्री. अब देखिए, उसमें ना हिंट सबसे बेहतर ही होती है कि विच कंट्री इज देयर, दे हैव गॉट, कहाँ डेजर्ट हो सकता है. तो सऊदी अरेबिया, इसराइल एंड यूएई आर द थ्री ऑप्शन यहाँ पर देखिए मिडिल ईस्ट में. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर, यस यस, मोस्ट ऑफ यू, ग्रेट, वेरी गुड, बी इज आर करेक्ट आंसर. सऊदी अरेबिया ने, देखिए वहां पर एक ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, और उसके ताल्लुक में दे हैव लॉन्च्ड इनिशिएटिव वेरिन दे आर ट्राइंग टू काउंटर एक्ट डेजर्टिफिकेशन यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं ना, जो मिनिस्ट्री द्वारा, दे आर ट्राइंग टू एक्सेस द वेजिटेटिव कवर इन सऊदी अरेबिया, सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अफॉरेस्टेशन. तो वहां पर जो पेड़ लगाने की जो कोशिश है वो की जा रही है. तो यहाँ हमारा आंसर जो होगा वो सऊदी अरेबिया होना चाहिए, राइट? कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी न्यू कंट्रीज आर गोइंग टू बी इनवाइटेड, मतलब दे हैव बीन इनवाइटेड, इनफैक्ट उनको इनवाइट किया जा चुका है टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्रिक्स नाउ. तो 15 समिट में कितने देशों को इनवाइट किया जा चुका है फॉर्मल इनविटेशन, मतलब दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट फॉर्मली. दे आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रिक्स नेशन फ्रॉम 5 टू अ न्यू काउंट, राइट? तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी कंट्रीज आर गोइंग टू बी एडेड टू ब्रिक्स इन टाइम टू कम, एंड इसको जो डेट दी गई है वो दी गई है फ्रॉम 1 जनवरी 2024 से न्यू कंट्रीज आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स. तो आपसे सिंपली पूछा गया कन्फर्म द काउंट ऑफ द कंट्रीज विच आर गोइंग टू ज्वाइन ब्रिक्स नाउ, राइट? तो हियर इन द करेक्ट आंसर इज 6 ओनली, यस, परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट गोइंग, यस. Most of you, I can't name everyone of you, I'm very sorry, but then all of you are answering correctly. There are going to be 6 nations, 6 देश जो है ना, ये 6 देश they are going to continue as being, मतलब they are going to join as member. The 6 countries are starting with Iran, UAE, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट. तो ये तो देखिए 4 देश तो मिडिल ईस्ट के आसपास ही मान के चलिए, और केवल आपको अर्जेंटीना, इथियोपिया याद रखना है. तो इजिप्ट एंड इथियोपिया
अफ्रीकन नेशन, ईरान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्टर्न माने, एंड केवल अर्जेंटीना उसमें जोड़ लीजिए, नेबर ऑफ ब्राजील। तो दिस सिक्स नेशंस आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स नाउ। ब्रिक्स में भी दे आर गोइंग टू चेंज द नेम इन टाइम टू, हो सकता है कि नाम परिवर्तित कर दिया जाए, अभी तो ब्रिक्स ही है। और जो इफेक्टिव डेट होगी दैट इज गोइंग टू बी द 1 जनवरी 2024 से एप्लीकेबल होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर शुड बी, सिक्स नेशंस आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स नाउ एंड टोटल नेशंस आर गोइंग टू बी 11। पहले 5 देश थे, पहले इनफैक्ट 4 थे, दैट वाज BRIC, देन इट केम साउथ साउथ अफ्रीका, 5 हुए, अब 6 मोर आर देयर, 11 गोइंग टू बी द न्यू काउंट बाय जनवरी 2024। क्लियर? सो हियर इन द आंसर शुड बी दिस बी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। विच अपराइजिंग, अब अगेन रिलेटेड टू म्यांमार, विच अपराइजिंग वॉज सिग्निफिकेंट प्रो डेमोक्रेसी रिवॉल्व दैट वॉज सप्रेस बाय तत्मदो। तत्मदो जो बोलते हैं ना, वहां की आर्मी को कहा जाता है, राइट? उनका जो लेटेस्ट, मतलब अभी वाला वर्जन देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्जन हम बोलते हैं। सो उनकी आर्मी द्वारा कौन सा पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन लेट 1980s में दबा दिया गया था? विच रिवॉल्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट? तो BIA मूवमेंट, या 8888 अपराइजिंग, NLD रिवॉल्ट, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी को कहा जाता है, ऑरेंज रिवॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिवॉल्ट विच वॉज सप्रेस्ड बाय तत्मदाव इन 1980s, लेट 1980s। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर, यस, फोर्थ क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट, मोस्ट ऑफ यू ओके, ओनली ओनली 2 ऑफ यू आर गिविंग आंसर। चलिए ठीक है, ये ऑरेंज रिवॉल्यूशन नहीं है बेटा, दिस इज 8888 अपराइजिंग। और इसका 8888 का मतलब समझिए, इट इज 8th अगस्त 1988, मतलब 8 अगस्त 1988 को ये अपराइजिंग हुई थी वहां पर, अगस्त 8 1988। और ये अपराइजिंग को वहां पर इनके मिलिट्री द्वारा दबा दिया गया था। दिस डेट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड 8888 अपराइजिंग। स्पष्ट एकदम, क्योंकि हुई थी 8th अगस्त 1988, 4 times 8, एंड दैट इज द रीजन दिस वाज सिग्निफिकेंट डेमोक्रेसी मूवमेंट, वहां लॉन्च किया गया था, बट उसे वहां की आर्मी द्वारा, जो तत्मदो वहां जा कहा जाता है, जनता जो कहा जाता है ना, उनके द्वारा उसका दमन कर दिया गया था। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बी शुड बी द करेक्ट आंसर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन रो खन्ना, ही विजिटेड इंडिया सम टाइम बैक, है ना, एंड वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किस पार्टी को ही बिलोंग, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी? रो खन्ना, इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन, है ना, इनके जो दादाजी थे, ही बेसिकली बिलोंग्स टू इंडिया ओनली, इनके दादाजी वाज अ कांग्रेसमैन हियर, मतलब कांग्रेसमैन इन द सेंस ही वाज फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, एंड व्हेन ही वेंट देयर ही हैज जॉइन वन पार्टी, ही इज एमपी देयर। तो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, दैट इज बीइंग आस्क्ड टू यू। रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, तो इनमें 2 ही पार्टियां हैं जो कि यूएस को बिलोंग करती है, उसमें भी ही इज बेसिकली फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब जो बाइडेन, बिल क्लिंटन एंड ओबामा वाली पार्टी जो है उनको बिलोंग करते हैं, ही इज बेसिकली अ डेमोक्रेट। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं इंडियन अमेरिकन कांग्रेस में रो खन्ना, अ मेंबर ऑफ प्रोग्रेसिव विंग ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। और उनके द्वारा अभी इंडिया विजिट किया गया था फॉर वेरियस इश्यूज कंसर्निंग ह्यूमन राइट्स, ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, स्टेट टाइज, सेक्टोरल ट्रांसफर, इन सब ताल्लुक में ही विजिट इंडिया सम टाइम बैक। क्लियर? और एक पर्टिकुलर आर्टिकल इस पे संडे को आर्टिकल आया था, आई रिमेंबर। तो रो खन्ना बिलोंग्स टू डेमोक्रेटिक पार्टी, राइट, ऑफ US। देन वी कम टू डोनान मैप, अपने आप में एक दवाई है, इट्स बीइंग इन ट्रायल स्टेजेस, एलाई लिली इज द कंपनी विच इज मेकिंग इट। दिस पर्टिकुलर ड्रग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, मतलब किस पर्टिकुलर डिजीज के रिलेशन में इस ड्रग को लॉन्च किया जा रहा है? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप। डोनान इट्स अ ड्रग इन इनिशियल ट्रायल स्टेजेस, इज एम टू क्योर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, किस पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड है, राइट? एड्स, दिस अल्जाइमर्स, COVID-19 एंड डिमेंशिया आर द 4 ऑप्शंस गिवन टू यू, है ना? यस पार्थ, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर द ओनली वन टू आंसर, यस प्रिंस यू आर ऑल्सो करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल प्रिंस नोरबी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम गार्की, आयुष, एवरी वन ऑफ यू आर करेक्ट। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स के लिए ये ड्रग लॉन्च की जा रही है बाय एलाई लिली, इज अ वन दिस फार्मास्यूटिकल कंपनी, एंड दे आर टेस्टिंग रिजल्ट फॉर दिस, इट इज इट्स अ ड्रग फॉर अल्जाइमर्स डिजीज, है ना। मोस्टली बॉक्सर जो कई बार हम देखते हैं ना, वो इस डिजीज से हम लोग मतलब ग्रस्त दिखते हैं कई बार ही, तो दिस डिजीज है अल्जाइमर्स, उसके लिए ट्रायल किया जा रहा है। कच्चा तिवो आइलैंड इज इन न्यूज मेनी टाइम्स, इस पर कई सारे आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग आर द हिंदू एनालिसिस। वेयर दिस आइलैंड इज सिचुएटेड, कहाँ पर बिलोंग करता है, विच प्लेस इट बिलोंग्स टू, मतलब उसका अगर डिस्टेंस देखा जाए तो कहाँ से इसका डिस्टेंस नॉर्मली देखा जाता है? अगेन इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको ये
डेटा की आवश्यकता भी नहीं है, सिंपली नीड टू कंफर्म कि फ्रॉम विच प्लेस वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट कचहतीवो आइलैंड। कचहतीवो आइलैंड इनफैक्ट उसको आइलैंड कहा जाता है, इट्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड, अनइनहेबिटेटेड, मतलब यहाँ पर कोई रहता नहीं है। देर इज वन सिंपल वन चर्च इज देयर, जहाँ पर हर साल वहाँ पर एक फेस्टिवल होता है। दिस पर्टिकुलर प्लेस इज ओनली यूज फॉर दिस, जो फिशिंग नेट होते हैं उनको सुखाने का वहाँ पर नॉर्मली यूज किया जाता था। दिस प्लेस इज नो मोर विथ इंडिया, इट इज बीन नो, इट इज गॉट, इट इज गिवन टू, इन अ वे गिवन टू नेशन, दे गॉट इट, डिमार्केशन में श्रीलंका गॉट दिस प्लेस, इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी आप एक मान सकते हैं। दिस इज प्लेस फ्रॉम 14 नॉटिकल माइल्स ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम से 14 नॉटिकल माइल पर ये प्लेस्ड है। तो इफ यू आर आंसरिंग सी, विच मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड, माही, प्रिंस एंड गार्गी, नोरबी, एवरी वन ऑफ यू आर करेक्ट। यहाँ आंसर जो होना चाहिए, इट इज नॉर्मली उसको ना रामेश्वरम से डिस्टेंस दिखाया, तो रामेश्वरम से डिस्टेंस जो है वो 14 नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम रामेश्वरम। तो हियर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी ओनली, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्रीज पीएम रिसेंटली सपोर्टेड प्लान्स फॉर न्यू फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग ऑफ नॉर्थ सी। अभी एक आर्टिकल आया था उसमें नॉर्थ सी जो है इस देश के नजदीक में है, और वहां पर इनके लोग ड्रिलिंग प्लान जो होते हैं ना उनको एक तरीके से अप्रूव किया जा रहा है, जिसका विरोध भी हो रहा है, वो क्रिटिज्म भी उनका हो रहा है कि एनवायरमेंट के अगेंस्ट में है, एंड दिस प्लेस इज इन यूरोप। तो किस देश के पीएम ने अभी कुछ समय पहले नॉर्थ सी में फ्यूल ड्रिलिंग के लिए, फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग के लिए ओके किया है, उनके द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पीएम रिसेंटली अप्रूव द ड्रिलिंग इन नॉर्थ सी इन यूरोप, फ्रांस, यूक्रेन, यूके, जर्मनी आर द फोर ऑप्शन गिवन टू यू। आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो है वो यूके के पीएम है, और उनके द्वारा कुछ समय पहले ये ड्रिलिंग को ओके किया गया था। तो यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक रिसेंटली बैक प्लान्स फॉर न्यू फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग इन ब्रिटेन्स कोस्ट ऑफ नॉर्थ सी, दैट इज दी सी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, है ना। जर्मनी नहीं है यहाँ पर, हम लोग नॉर्थ सी ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज, व्हेन वाज द आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट साइंड। अभी जो ट्रेड इन गुड अग्रीमेंट है ना, इस पर अभी कुछ इशू चल रहा है, मतलब जैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमारा आसियान के साथ में जो 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 साइन हुआ है उसका रिव्यू करने की बात की जा रही है। अंडर दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट, मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया आसियान, अंडर दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट उसको रिव्यू करने की बात की जा रही है। आपसे सिंपली पूछा गया है कि इस अग्रीमेंट को किस वर्ष में साइन किया गया था। इट इज कॉल्ड AITIGA, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट। दिस वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड आसियान नेशन। आसियान नेशन वी ऑल नो द ग्रुप ऑफ 10 नेशन, ये 10 देशों का समूह है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का समूह है। 1961 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आया था। इस समूह के साथ में हम लोग RCEP साइन करने वाले थे, बट देन 19 वी गॉट आउट ऑफ इट। यहाँ पर हमारा जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसके ताल्लुक में वन रिव्यू प्रोसेस होने वाली है, उससे रिलेटेड अग्रीमेंट है, जो कि 2001 में, सॉरी हाँ 2009 में साइन किया गया था। इट वॉज इन 2009 इट वॉज साइन, राइट। तो दिस डिसीजन कम्स फ्रॉम ज्वाइंट कमिटी ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड गुड्स अग्रीमेंट विच वॉज साइंड इन ईयर 2009। ये जो रिव्यू कमिटी की यहाँ बात की जा रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 2009 शुड बी द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 सेज, 30 कॉम्रेड्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। 30 कॉम्रेड्स, कॉम्रेड्स आर बेसिकली रिलेटेड टू कम्युनिज्म, है ना, जो बोले जाते हैं। बट एनी वे यहाँ पर हम देखें तो इट इज रिलेटेड टू डिफेंस, इट इज रिलेटेड टू आर्मी बेसिकली, राइट। तो किस पर्टिकुलर देश से रिलेटेड है, अगर आप हिंट चाहें तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द इशू रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंट्री सम टाइम बैक, अभी आज ही हमने डिस्कस भी किया है इसका। तो दिस क्वेश्चन 10th क्वेश्चन आंसर शुड बी, है ना, यस परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड पार्थ, है ना। हिंट इज ऑलरेडी बीन गिवन टू यू, हमने अभी अभी डिस्कशन किया है इसका, एंड अभी अभी हमने किसका डिस्कशन किया है, वी हैव डिस्कस सतमजो, वी हैव डिस्कस म्यांमार सम टाइम बैक, दिस 8888 जो हमने वो दिस वो रिवॉल्यूशन देखा था उस ताल्लुक में भी डिस्कस इट, इट इज रिलेटेड टू म्यांमार। देखिए म्यांमार की प्रेजेंट आर्मी को तत्मदो कहा जाता है, बट इसका जो पुराना वर्जन है, जो इसका प्रेडिसेसर है बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर 1998, जिनके द्वारा ये पर्टिकुलर मूवमेंट को आगे लाया गया था, फ्रीडम मूवमेंट इनके द्वारा आगे बढ़ाया गया, दैट पर्टिकुलर ग्रुप वॉज कॉल्ड 30 कॉम्रेड ग्रुप, है ना। 30 कॉम्रेड फॉर्म द प्रीकर्सर ऑफ तत्मदो, प्रीडिसेसर ऑफ तत्मदो, एंड वर इंस्ट्रूमेंटल इन म्यांमार इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो दिस 30 कॉम्रेड्स बिलोंग टू म्यांमार ओनली, है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि म्यांमार का इशू हम लोग कई बार अभी कई सारे आर्टिकल देखे हैं, इसलिए इट वॉज आस्ट। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस $500 मिलियन डेट फॉर नेचर स्वैप, डेट फॉर नेचर स्वैप। कई सारे देश ऐसे होते हैं जिनके डेट जो होते हैं ना, जिनके लोन जो होते हैं, उनको कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे स्वैप फॉर
एनी इनिशिएटिव दे टेक फॉर द वेलफेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, तो उनके जो लोन्स होते हैं उनको रीफाइनेंस कर लिया जाता है अगर दे आर पुटिंग, यू नो दे आर पुटिंग मनी या दे आर पुटिंग एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो अभी 500 मिलियन डॉलर का दिस मिलियन डॉलर का दिस डेट फॉर नेचर स्वैप किस देश द्वारा किया गया था? यस परफेक्ट बेटा, वेरी गुड। अच्छा जस्ट है ना एक चीज और ध्यान रखिए, बहन यू आर आंसरिंग क्वेश्चन ट्राई टू राइट दिस वे ऑलवेज, आई 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 सजेस्ट यू हमेशा इस तरह रखिए, तो आई विल बी एबल टू कंफर्म विच आंसर यू आर गिविंग फॉर विच क्वेश्चन पर्टिकुलर इट इज रिलेटेड टू, राइट। सो हियर इन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री कॉल्ड गैबॉन। गैबॉन जो है एक अफ्रीकन नेशन है और उनके द्वारा अभी दिस 500 मिलियन डॉलर का दिस डेट फॉर नेचर स्वैप किया गया है ना। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपसे जो कहा ना हियर इन वॉट दे डू कंट्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होगा ना इन जिनके जिन्होंने इनको लोन दिया हुआ है वो क्या करेंगे, जो लोन दिया हुआ है कहीं और लोन का है उसको दे आर गोइंग टू रीफाइनेंस दोज लोन्स, राइट। और क्यों करेंगे, बिकॉज दे दिस कॉर्पोरेट्स ना दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सम सम इनिशिएटिव वेर इन वेलफेयर फॉर द एनवायरमेंट की बात की जाए। तो ये 500 मिलियन डॉलर का डेट फॉर स्वैप इनिशिएटिव जो है ना अभी गैबॉन द्वारा कुछ समय पहले इसको किया अनाउंस किया गया था है ना, तो 500 मिलियन डॉलर गैबॉन शुड बी क्लियरली नोन टू यू। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडर ऑफ ब्रिक्स नेशन। अब ब्रिक्स समिट अभी हुई है, फाइव लीडर्स वर देयर, एटलीस्ट फोर वर देयर, वन वॉज वर्चुअली प्रेजेंट देयर है ना, फाइव नेशंस, उनमें से कौन यहां वहां मौजूद नहीं था, मतलब हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब अभी प्रेजेंट मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ है ना, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लीडर ऑफ द ब्रिक्स नेशन। प्रेजेंट पांच लोगों के ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन अमंग देम है ना। सो इसमें इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि दिस दिस लीडर बिलोंग्स टू विच नेशन, मतलब वी नीड टू नो द नेम ऑफ द लीडर्स, राइट। तो पहला दिया हुआ है लुइस इनाशियो लुला दा सिल्वा, ही बिलोंग्स टू ब्राजील, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं है ना। देन दूसरा है सिरिल रामफोसा, ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। तीसरा है जी जिनपिंग, ही इज फ्रॉम चाइना, वी ऑल नो नेम ही क्लियर है। चौथा जो है ना ये अर्जेंटीना के हैं है ना। सो दैट इज द रीजन यहाँ पर अभी हमारा आंसर जो होगा डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ही बिलोंग्स टू अर्जेंटीना ओनली, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है, राइट। सो हमारा आंसर डी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर है ना, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। वो अमंग द फॉलोइंग इज बिकम द चेयरमैन ऑफ एनजीटी, एनजीटी के नए चेयरमैन किन को बनाया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जज है ना हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एनजीटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये पक्के से आपके आने वाले मॉक्स में एंड ऑल इसको बोलना चाहिए एआईटी एंड ऑल इट कैन बी वेरी मच आस्क्ड। हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू चेयरमैन ऑफ एनजीटी, एनजीटी के नए चेयरमैन कौन है इनमें से? 13th क्वेश्चन, जस्ट राइट 13 एंड देन पुट द आंसर बिफोर इट। चलिए 13 का आंसर दिया है, गार्गी इज द फर्स्ट वन टू आंसर, मुदित इज द सेकंड वन, या साक साक्या, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एनजीटी है ना, इनको चेयरमैन बनाया गया, फॉर्मर जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट टुक चार्ज ऑफ चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वेरी ऑफन यू विल फाइंड दी नेम्स इन द न्यूज़पेपर, ये ताल्लुक में मतलब कई सारे एनवायरमेंटल इश्यूज में इनका नाम बार बार आपको देखने को मिलेगा, याद कर लीजिएगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ए इज आर करेक्ट आंसर, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर करेक्टली, यस यस परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर, क्यों यहां पर बोला जब पूछा जा रहा है कि वेरी ऑफन हर नेम इज देयर, मतलब अगेन न्यूज पेपर में रहता है, और दूसरा ये मान के चलिए कि नेम्स विच आर बींग रिपीटेडली यू फाइंड इन न्यूज पेपर ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश होती है, टॉपिक भी पूछा जा सकते हैं, दैट इज वाई इट इज बींग आस्क्ड। आई नो मेनी ऑफ यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर, याद होंगे, स्टिल रिवीजन की खातिर एक बार पूछ लिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर। तो अगर एन बीरेन सिंह आप बोलते हैं तो ही सीएम ऑफ मणिपुर है ना, आपसे गवर्नर पूछा गया तो गवर्नर में हमारा आंसर यस 14 का बी आंसर होगा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। साक्य पार्थ मुदित उत्कर्षा शष्टि, एवरी वन ऑफ योर करेक्ट। अनुसुईया उइके जो है ना शी इज बेसिकली गवर्नर ऑफ मणिपुर, मणिपुर की गवर्नर है, तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर एन रवि एंड एमपी के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। तो ये हमारा आंसर जो होगा अनुसुईया उइके इज गवर्नर ऑफ मणिपुर शुड बी द करेक्ट आंसर। एन बीरेन सिंह वहां के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं वहां के, स्पष्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15,
थेवेसिन हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साउथ ईस्ट एशिया। किस देश के प्रधानमंत्री अभी अभी मनोनीत हुए हैं? दो ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, इनकी पार्टी द्वारा इलेक्शन जीता नहीं गया, इनकी पार्टी दूसरे स्थान पर आई थी स्टिल, है ना, जो मिलिट्री के रहमोक्रम पर इनको वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया है ना, बिकॉज ही वॉज मतलब एसोसिएशन विथ मिलिट्री हेल्प्ड हिम एंड ही वेंट ऑन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन। तो कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट इज थाईलैंड। थाईलैंड में इनकी पार्टी दूजी पार्टी थी, दिस हिज पार्टी वॉज सेकंड पार्टी, फ्यू थाई पार्टी जो है ना, दे केम सेकंड। मूव फॉरवर्ड पार्टी वॉज द पार्टी हु वेंट ऑन टू विन द इलेक्शन, बट जो पीटा उनके लीडर थे उनको वहां पीएम नहीं बनने दिया गया, उनके अगेंस्ट में आरोप लगाए गए हैं, उनसे शेयर जो उनके पुरानी कंपनी डिफंक्ट कंपनी के शेयर के ताल्लुक में सम इश्यूज वर देयर, सो ही कुड नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर। एंड हु वेंट ऑन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर थेवेसिन बिकम प्राइम मिनिस्टर देयर, राइट? एंड ही वॉज सेकंड इन टर्म्स ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट, बट स्टिल ही वेंट ऑन टू बिकम। बट एनी वे वी नीड टू रिमेंबर थाईलैंड के नए पीएम का नाम हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, दिस मस्ट बी नोन टू यू। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, विच इंस्टीट्यूशन वॉज कन्फर्ड 25th राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड 1992 में, इन अवार्ड्स को लॉन्च किया गया था, राइट? तो विच इंस्टीट्यूशन अमंग द फॉलोइंग वेंट ऑन टू विन दी कन्फर्ड विद दी 25th राजीव गांधी खेल सॉरी राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड की हम बात करें, 20 अगस्त जो होता है वो सद्भावना दिवस होता है, उस दिन ये अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। तो किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की हम यहाँ बात करें जिन्हें इस वर्ष का राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड, नेशनल सद्भावना अवार्ड दिया जा रहा है? यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। बनस्थली विद्यापीठ जो है उनको इस साल का राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड वॉज गिवन, है ना, उनको दिया जा रहा है 20th नेशनल सद्भावना अवार्ड वो गिवन टू बनस्थली विद्यापीठ। 1992 में टू मार्क द गोल्डन जुबली ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट दिस अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड। 1992 में गोल्डन जो जुबली मतलब 50 वर्ष जो होते ना क्विट इंडिया मूवमेंट के, 50 वर्ष कंप्लीशन पर ये दिस पर्टिकुलर दिस अवार्ड वॉज लॉन्च, इनको लॉन्च किया गया था, एंड दिस टाइम इट इज बिन गिवन टू बनस्थली विद्यापीठ, है ना। तो दैट वॉज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। मिलेगी मिलेगी बेटा, इसकी पीडीएफ मिलेगी, दिस पीडीएफ इज अवेलेबल। द डे फॉर यस्टरडेज क्विज वाज अ मेंटी क्विज ना, तो मेंटी का तो पीडीएफ दे नहीं सकते हैं। फॉर दिस मंथ दिस क्विज यू विल बी गेटिंग पीडीएफ, डोंट वरी, मिल जाएगी, चिंता मत करो, अभी तो आंसर करते चलो। मिलेगी बैटमैन, मिलेगी बेटा, है ना। चलिए, इन विच ईयर डॉक्टर सी आर राव, ही वॉज अ स्टैटिस्टिशियन, अ साइंटिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन, ही डाइड सम टाइम बैक, इनकी अभी कुछ समय पहले भी पास अवे, राइट? सो उनको हमारे देश में पद्म विभूषण कब दिया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डॉक्टर सी आर राव, अ रेनाउंड स्टैटिस्टिशियन, है ना, हु पास्ड अवे सम टाइम बैक, वाज गिवन पद्म विभूषण इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? किस वर्ष में उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था, है ना। चलिए, डन, क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी गुड उत्कर्ष, आप परफेक्ट बेटा, पार्थ यूर ऑल्सो करेक्ट, यस यस, गार्गी, शांतनु, शिवम, मान्या, षष्टि, चलिए परफेक्ट है। देखिए, सी आर राव जो थे ही वॉज अ रिनाउंड इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन, सॉरी मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन, साइंटिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन, है ना। ही पास्ड अवे ऑन 22 अगस्त एट द एज ऑफ 102, एंड इनको कई सारे अवार्ड दिए गए थे, है ना। और जो पद्म भूषण हमारा दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है वह इनको दिया गया था 2001 में, 2001 वॉज द ईयर वेन वॉज कन्फर्म विद द पद्म विभूषण। तो यहाँ हमारा आंसर शुड बी ए ओनली। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन उद्योग रत्न बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया, दिस द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड विच वॉज गिवन बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया? अगेन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉलोइंग वॉज कन्फर्म विद दी फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड, एन आर नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, रतन टाटा, टाटा ग्रुप, अजीम प्रेम जी, विप्रो और दीपक पारिक, HDFC, राइट? दिस फोर नेम्स हैव बीन गिवन ओवर हियर। हमारा सही आंसर आपको बताना है, परफेक्ट बेटे, कोपल, यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर करेक्टली, यस यस, पार्थ, कोपल, मान्या, परफेक्ट, वेरी गुड। रतन टाटा जो है ना टाटा ग्रुप के, उनको दिया गया है दिस फर्स्ट नाउन इंडस्ट्री, रतन टाटा रिस्टोर्ड विद दी फर्स्ट एवर उद्योग रत्न अवार्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, है ना। तो बी शुड बी करेक्ट आंसर हियर। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर वॉज कन्फर्ड टू पीएम मोदी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन?
किस देश द्वारा ये दिया गया था? दिस ग्रैंड टॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर वॉज कन्फर्ड टू पीएम मोदी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, किस देश द्वारा दिया गया था? क्लियर, अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, मतलब इनफैक्ट वी स्टार्टेड विद द क्वेश्चन, इससे ही हम लोगों ने आज के क्विज की शुरुआत की थी, सो दैट इज द ग्रेटेस्ट हिंट आई कैन गिव यू एंड वेरी इजी वन टू आंसर, है ना? सबसे पहले देख लीजिए लेटेस्ट वेयर ही वेंट टू ग्रीस लास्ट टाइम, है ना? ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, फ्रॉम साउथ अफ्रीका ग्रीस, एंड ग्रीस में इन्हें दिस अवार्ड वॉज गिवन, है ना? ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर वॉज कन्फर्ड टू पीएम मोदी बाय देयर दिस प्रेसिडेंट, है ना? तो यहाँ हमारा आंसर जो होगा ग्रीस होगा, 25 अगस्त 2023 पीएम मोदी वाज इन ग्रीस, ही वेंट देयर, है ना? और वहां पर इनको ये अवार्ड दिया गया था, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर टू पीएम मोदी बाय ग्रीस गवर्नमेंट दिया गया, बाय द प्रेसिडेंट ही वाज ऑनर्ड। फर्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व्ड? किस दिन रिमेंबरेंस ऑफ टेररिज्म इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म किस दिन मनाया जाता है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डे इट इज ऑब्जर्व? ना बेटा इट इज इजिप्ट नहीं है, इट इट्स ग्रीस बेसिकली, अभी लेटेस्ट वाला सम्मान की हम बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, द फोर ऑप्शंस गिवन टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इंटरनेशनल दिस डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व किस दिन मनाया जाता है? जस्ट कीप आंसरिंग, परफेक्ट, वेरी गुड। 21 अगस्त जो होता है, 21 अगस्त जो होता है, दैट डे इज ऑब्जर्व एज रिमेंबरेंस ऑफ ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एवरी ईयर, है ना? डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशन दिल्सिन टू ऑनर रिमेंबर द इंडिविजुअल्स हु हैव सफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एक्ट ऑफ टेररिज्म। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे किस दिन मनाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज ऑब्जर्व, है ना? पहले का आंसर भी सेम, फर्स्ट का 21 था, डे वाले क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन जो है डे वाला उसका आंसर इज अगेन 21 अगस्त ओनली। यहां पर भी आर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 21 अगस्त 1990 में शुरुआत हुई थी, यूएनजीए द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन 1990, एंड 21 अगस्त एवरी ईयर इज ऑब्जर्व एज द डे व्हेन वी डेडिकेट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज अफेक्टेड बाय द ओल्डर एडल्ट्स, है ना? उनके ताल्लुक में दिस सीनियर सिटीजन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 21 अगस्त। 21 अगस्त शुड बी करेक्ट हियर। इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूक्रेन, इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज यूक्रेन हमेशा न्यूज में रहा है अभी, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली ऑब्वियस रीजन द यूक्रेन रशिया वॉर। तो यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे किस दिन आता है ना? सेलिब्रेटेड तो सेलिब्रेशन तो दिस नॉट देयर फॉर लास्ट 2 ईयर्स, बिकॉज लास्ट 2 ईयर्स दे आर अंडर दिस वॉर, है ना? अटैक, अंडर अटैक, अंडर दिस इन्वेजन बाय रशिया। यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, किस दिन आता है? 22 का आंसर यू नीड टू डू। Just, yes, great, very good, Parth, perfectly answered. 24th of August is the day when Ukraine got independence from Russia, है ना? यहाँ पर डिस्टिंग जीटी डिटेल आपको गलत दिया हुआ है, डोंट वरी, कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 24th of August होना चाहिए। 24th अगस्त को जो यूक्रेन था, दे गॉट इंडिपेंडेंस, मतलब दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम यूएसएसआर, यूएसएसआर से 1991 में सेपरेट हुए थे, है ना? और दे फ्रॉम दैट डे 24 अगस्त 1991, तो दैट इज द इंडिपेंडेंस डे उनके द्वारा मनाया जाता है। बट देन दिस डे इज द डे व्हेन 1.5 ईयर कंप्लीटेड सिंस दिस वॉर स्टार्टेड, है ना? सो 24 अगस्त ध्यान रख लीजिएगा, यूक्रेन इंडिपेंडेंस डे। देन सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? सद्भावना दिवस हमारे देश में किस दिन मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व एज सद्भावना दिवस इन आर कंट्री, किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? डेज वाले क्वेश्चन में 28, 21, 22, 23, 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू, जस्ट कंफर्म इमीडिएटली, फटाफट कंफर्म करिए, एंड अगेन ट्राई टू राइट द क्वेश्चन नंबर, है ना? चलिए परफेक्ट, कोपल यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर, मान्या, कोपल, पार्थ, एवरी वन ऑफ यू आर करेक्ट। यहाँ पर 20 अगस्त शुड बी द करेक्ट आंसर। सद्भावना दिवस हर वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त जो है दैट इज दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, राइट? तो उस पर्टिकुलर डे को सद्भावना दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर फ्रॉम 1984 टिल 1989। ही वाज असैसिनेटेड ऑन 21 मई 1991, 1991 में पेरम्बदूर तमिलनाडु में इनकी हत्या हुई थी, बाय एलटीटी कैडर द्वारा इनकी हत्या की गई थी, है ना? सो दैट डे वाज 21 मई 1991, एंड जिसको बोलना चाहिए बर्थडे जो इनका होता है, बर्थ एनिवर्सरी जो होती है, दैट इज 20 अगस्त, सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस, ऑब्जर्व एज सद्भावना दिवस इन आर नेशन, है ना? दैट इज 20th of August। रिसेंटली लॉन्च्ड मोहाजिर 10,
मोहदी 10 अभी कुछ समय पहले लॉन्च किया गया है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय ईरान, ईरान का ये डिफेंस से रिलेटेड है। तो इट्स अ मिसाइल, इट्स अ ड्रोन, इट्स अ शिप और इट्स एन एयरक्राफ्ट, है ना। कंट्री रिलेटेड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज रिलेटेड टू ईरान ओनली, ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भाई क्या है ये, मिसाइल है, ड्रोन है, शिप है, या कि फिर इट्स एन एयरक्राफ्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अमंग दिस? क्वेश्चन इज क्लियर? चलिए स्टार्ट आंसरिंग, फटाफट आंसर करिए। लॉन्च्ड बाय ईरान ओनली, ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नो इट्स नॉट, नो इट्स नॉट अगेन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर आई हैवन गॉट एनी करेक्ट आंसर टिल नाउ। नो बेटा, इट्स अ ड्रोन, है ना, ये ड्रोन है, ड्रोन लॉन्च किया गया, बिल्ट ड्रोन नेम्ड मोहाजिर, डोमेस्टिकली बिल्ट ड्रोन बाय ईरान, और उसको मोहाजिर 10 जो है वो नाम दिया गया है ना। तो ये लेटेस्ट बिल्कुल अभी के, अभी प्रेजेंट के ताल्लुक में इसका आंसर करिए, इट इज अ ड्रोन बेसिकली, जो उनके द्वारा डोमेस्टिकली मतलब इंडिजेंसली बिल्ट ड्रोन जो है दैट इज बीन देयर। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो बी होना चाहिए। अपडेट योर सेल्फ विद दिस, आई बिलीव मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग इनकरेक्टली हियर, राइट? इट शुड बी करेक्ट, ड्रोन शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, है ना। चलिए आगे बढ़िए। विच वर्जन ऑफ मालाबार एक्साइज वॉज कंक्लूडेड रिसेंटली इन ऑस्ट्रेलिया? पहली बार ऑफ ऑस्ट्रेलिया कोस्ट, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एक्साइज करवाई गई है मालाबार एक्साइज टेस्ट। इस एक्साइज में चार देश शामिल होते हैं, इट इज अ मल्टीलेटरल एक्साइज, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, दी फोर क्वाड नेशन आर पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। चार क्वाड नेशन जो होते हैं इस एक्साइज का हिस्सा होते हैं, राइट? आपसे 1992 में इसको लॉन्च किया गया था, बट आपको ये कंफर्म करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी करेक्ट दिस वर्जन ऑफ दिस। 15 थे, 19 थे, 24 थे या 27 थे? एंड व्हेन आई से 1992 में इसको लॉन्च किया गया था, तो इट्स ट्रू, इट वाज लॉन्च इनिशियली 1992 बिटवीन इंडिया एंड यूएस। बाद में जो हम लोगों ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, जो हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद से यूएस वॉज फ्यूरियस विद अस, तो उनके द्वारा फिर हमारे साथ एक्साइज कुछ समय के लिए नहीं की गई। देन इट वॉज कंटिन्यूड अगेन एंड लेटर ऑन टू जापान एंड देन लास्ट इन 2020 ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन द ग्रुप। सो अब चार देशों के द्वारा ये एक्साइज कराई जाती है। इट इज 27th वर्जन। कौन सा वर्जन है? 27वां एडिशन है ना, 27वां, बिकॉज 92 से आइडियली इट शुड बी मोर, बट देन हुआ क्या है, बीच में कुछ ऐसा समय रहा जब नहीं की गई एक्साइज, क्योंकि यूएस नाराज हो गया था, राइट? इन दैट रिगार्ड 27th एडिशन एंड ऑल द फोर क्वाड नेशंस आर पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। सभी के सभी चार देश जो क्वाड नेशन है इस एक्सरसाइज का हिस्सेदार होते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर 27th वर्जन होना चाहिए। स्पष्ट एकदम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, वेयर हैज द ट्रायल ऑफ इंडिया इनॉग्रल हाइड्रोजन बस लॉन्च बाय एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा? हाइड्रोजन बस का ट्रायल कहां पर संपन्न कराया गया अभी कुछ समय पहले? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर लास्ट 1 वीक, है ना। कहां पर संपन्न कराया गया, है ना, इनॉग्रल हाइड्रोजन बस लॉन्च बाय एनटीपीसी, कहां पर किया गया, राइट? तो दिस वॉज डन इन लेह लद्दाख। कहां पर? लद्दाख में कहा गया था। तो दिस लद्दाख शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट? चलिए 26 का ए शुड बी, यस, परफेक्ट परफेक्ट, मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली, आज सब पढ़ के आए हैं, वेरी हैप्पी, राइट? चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, CSIR प्राइमा ET11, है ना, यह देश का पहला, इंडिया फर्स्ट, इट्स अ ट्रैक्टर, इट्स अ कार, ई ट्रैक्टर, ई कार, ई थ्रेशर, ई पंप, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज? क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर? CSIR प्राइमा ET11 इज इंडिया फर्स्ट ई ट्रैक्टर, थ्रेशर, ई कार या पंप? ई कार तो हटाई दीजिए, आई डोंट थिंक सो दैट कैन बी आंसर एट ऑल, राइट? देन व्हाट, बाकी में से आप चूज कर लीजिए, एलिमिनेशन में पहले जाकर बाहर कर दो उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, परफेक्ट बेटे, परफेक्ट, मान्या यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर इट करेक्टली, पार, सॉरी पार, यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर, ई ट्रैक्टर है ना। देखिए दिस सेंट अपना सेंट्रल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सेंट्रल मैकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR, CMERI, है ना, इनके द्वारा इसको बनाया गया, देश का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, है ना। ट्रैक्टर में पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बट स्टिल फुल्ली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो है वो पहली बार बनाया गया है। इट शुड बी योर आंसर, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज द हेड ऑफ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट? कई सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होते हैं जो रोक दिए जाते हैं, है ना, जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए उनमें जो भी कुछ गुंजाइश हो सकती है उसे देखने हैं। तो वन दिस कमिटी वॉज सेटअप, एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उस कमिटी द्वारा अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट दिस कमिटी वॉज हेडेड बाय अ वेरी जेन्युइन इंडिविजुअल, दिस इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल जो हमारे G20 शेरपा भी हैं,
अब नाउ तो यू शुड आंसर, ही इज द हेड ऑफ द कमिटी एट द सेम टाइम ही इज G20 शेरपा। G20 शेरपा कौन है? G20 शेरपा इज मिस्टर अमिताभ कांत, है ना। तो 28 का आंसर शुड बी ए ओनली, अमिताभ कांत द्वारा हेड की गई कमिटी है। द 40 मेंबर कमिटी चेयर्ड बाय नीति आयोग एंड सीईओ, फॉर्मर नीति आयोग सीईओ एंड इंडिया G20 शेरपा अमिताभ कांत, है ना। टू एग्जामिन द स्टॉल रियलाइजेशन प्रोजेक्ट रिकमेंड वेज टू कंप्लीट देम, सबमिट रिपोर्ट, सबमिटेड रिपोर्ट ऑन 21 अगस्त। अभी इनके द्वारा रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है। तो ही इज ऑल्सो फॉर्मर नीति आयोग सीईओ थे और फिर बाद में इन्हें शेरपा बना दिया गया था। ही इज इंडिया G20 शेरपा। शेरपा का मतलब होता है कि वह लोग, वह लीडर्स, है ना, जो कि हमारे जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट सम सम समिट, तो इट्स नॉट दैट ऑल द बिग बिग लीडर्स आर गोइंग टू सिट देयर एंड दे आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट थिंग्स। इट्स ऑलरेडी अदर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर हु आर गोइंग टू सिट एंड डिसाइड अमंग थिंग्स, एंड देन एट लास्ट द लीडर्स आर गोइंग टू साइन अक्रॉस, राइट। तो वहां पर G20 शेरपा अमिताभ कांत इस कमिटी के चेयरमैन थे, उनके द्वारा ये रिपोर्ट अभी अभी सबमिट की गई है, राइट। तो हियर द करेक्ट आंसर शुड बी ए ओनली। G20 ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीटिंग टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। अभी कुछ समय पहले मीटिंग संपन्न हुई, इनफैक्ट हमने कल या परसों इस पर्टिकुलर मीटिंग से ताल्लुक में एक आर्टिकल डिस्कस किया था, एडिटोरियल डिस्कस किया था, है ना, जिसमें ये बोला गया था कि दिस मीटिंग इज ओवर एंड इंडिया इज स्पोकन ऑन दिस, हाउ टू हेल्प दिस स्मॉल बिजनेसेस एंड वी शुड वॉक द टॉक, है ना। इट वॉज एक्सेप्टेड। सो दिस मीटिंग, G20 ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीटिंग टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, कहाँ पर संपन्न कराई गई थी? यस, इट वॉज डन इन जयपुर। जयपुर में मीटिंग कराई गई है बेटा, है ना। G20 ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीटिंग वॉज हेल्ड इन जयपुर फ्रॉम 24th to 25th of August। जयपुर हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ये क्लियर। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रेयर अकरेंस ऑफ हरिकेन एंड अर्थक्वेक, दोनों एक साथ। इनफैक्ट हरिकेन ब्रॉट द अर्थक्वेक ऐसा मान के चले, तो ये बहुत रेयर केस है ना, जब जब हरिकेन और अर्थक्वेक साथ में हुआ हो। अब हुआ तो साथ में ना, फिर उसको क्या हुआ, साथ में जब ये घटा है तो उसको एक नाम दे दिया गया, एक टर्म कॉइन कर दी गई, उस टर्म को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। सो रेयर अकरेंस ऑफ हरिकेन एंड अर्थक्वेक हैज बीन नेम्ड, तो उसको क्या नाम दिया गया है? एंड इट इज नॉट समथिंग, मतलब इट्स नॉट हरिकेन टास्क टू फाइंड दिस पर्टिकुलर दिस 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 कॉइन कॉइनेज बेसिकली। क्या किया गया, हरिकेन से और अर्थक्वेक को मिला करके इट बिकेम हरिक्वेक। क्या हो गया है? इट इज बी, हरिक्वेक शुड बी द करेक्ट आंसर। इन दोनों टर्म को मिला लिया गया है ना। सो ये कैलिफोर्निया में ये घटा है ना, मैसिव 5.1 अर्थक्वेक August 20 को आया, उसके पहले इट वॉज हरिकेन। सो दैट वे इन दोनों को मिला करके हरिक्वेक बिकेम द न्यू वर्ड, है ना, बिगेन ट्रेंडिंग ऑन द ट्विटर एक्स, है ना। सो दैट वे दिस न्यू नेम इज देयर, उसको मरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो होती है उनके द्वारा इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो मरियम डिक्शनरी इसको एक्सेप्ट करा है, एंड द आंसर शुड बी बी इन दिस रिगार्ड। नहीं भी सुनाओ तो इनको बनाव करके हम लोग मिक्स करके समझ सकते हैं। द टर्म सर्कैडियन लॉ, सर्कैडियन लो, सॉरी, सर्कैडियन लो एक टर्म होती है। अगेन दिस वॉज पार्ट ऑफ वन एडिटोरियल इन द हिंदू ओनली, सर्कैडियन लो। और ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल था ना, ये था रिलेटेड टू द एविएशन, जो हमारे जो पायलट्स होते हैं, जो 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 स्ट्रेस झेल रहे होते हैं, जिस कारण मेनी ऑफ देम गॉट अटैक। अभी कुछ समय पहले 2 या 3 इंसिडेंट वहां पर देखे गए थे, जिनको अभी वो बीमारी अटैक हुआ आए हैं, राइट। सो उस ताल्लुक में दिस पर्टिकुलर टर्म वॉज यूज, सर्कैडियन लो वॉज अ टर्म यूज। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वह एक पीरियड होता है ना, एक समय होता है जब आपकी बॉडी जो होती है ना, वो जिस बॉडी क्लॉक जो होती है ना, उससे आप मतलब ह्यूमन फटीग इज नेचुरली हायर ड्यू टू द इंटर बॉडीज इंटरनल क्लॉक। और इस समय नॉर्मली रात के 12-1 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे का समय जो होता है ना, दैट इज दिस पर्टिकुलर सर्कैडियन लो वहां पर होता है। देन वी आर एट एट द जिसको होना चाहिए ह्यूमन फटीग, उस समय ज्यादा होता है। एंड इफ यू आर इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटी इन दोस टाइम्स, यू नीड टू बी मोर सो कॉन्शियस, है ना, सर्कमस्पेक्ट जिसको बोलते हैं। तो यर इन दिस अ पीरियड वेयर ह्यूमन फटीग इज नेचुरली हायर ड्यू टू द बॉडीज इंटरनल क्लॉक, बिकॉज नॉर्मली वी फाइंड आर सेल्फ स्लीपिंग ऑन दोस टाइम्स, एंड इफ यू आर वर्किंग सो दैट इंटरनल क्लॉक से सेट शायद ना हो पाए, इसलिए इस टर्म को सर्कैडियन लो कहा जाता है, राइट। तो दैट बी शुड बी करेक्ट आंसर, दिस द पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। रिदम रिलेट्स टू बॉडीज इंटरनल क्लॉक विच अफेक्ट स्लीप पैटर्न्स एंड एनर्जी लेवल। दिस रिफर्स टू आवर्स फ्रॉम मिडनाइट टू सनराइज, मतलब रात के 12-1 बजे से लेकर के सुबह तक का समय जो होता है ना, सनराइज वाला, उस समय ये जो हमारा लेवल होता है ना, फटीक लेवल, वो थोड़ा सा हायर साइड में रहता है, इसलिए इसको सर्कैडियन लो इस समय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 सेज प्रोजेक्ट एम्बर या अंबर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, राइट।
राइट, इट इज रिलेटेड टू एविएशन, इट इज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट, इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, इट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इट इज रिलेटेड टू, क्या है? प्रोजेक्ट अंबर या एम्बर, जैसा भी उसको बोला जाए, है ना? इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। परफेक्ट है, चलिए। सो ट्राई आंसरिंग इट। चलिए, ग्रेट, वेरी गुड। इफ यू आर आंसरिंग स्किल डेवलपमेंट, इट इज करेक्ट, है ना? एविएशन से रिलेटेड नहीं, अंबर है तो एविएशन है, दैट इज नॉट द कैच। एक्सलेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट इंडिटेशन, दैट इज द अंबर प्रोजेक्ट, ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, है ना, एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, एंड दिस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़े। वेयर वॉज द न्यू लोटस वेराइटी NMO 108? आई बिलीव दिस हैज बिन डिस्कस्ड अर्लियर, है ना? शायद हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है इन आर दिस द हिंदू क्विज में, शायद हमने डिस्कस किया हुआ है। NMO 108 इज अ वेराइटी ऑफ लोटस, कमल की एक वेराइटी है। एंड 108 जो दिया गया ना, क्यों दिया गया? क्योंकि इसके 108 जो जो पंखुड़ियां होती हैं, राइट? तो इसका नाम NMO 108 दिया गया है। कहां पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब विच प्लेस इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, है ना? CSIR द्वारा किया गया ना, तो CSIR के किस पर्टिकुलर, जिसको बोलना चाहिए, ऑफिस की हम बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर सेंटर की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लखनऊ। यस, परफेक्ट, वेरी गुड। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लखनऊ, CSIR, नेशनल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, लखनऊ में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना? सो यहाँ आंसर हमारा बी होना चाहिए। यस, ग्रेट। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग? नया नाम क्या दे दिया गया है? खेलो इंडिया वुमेन्स लीग को नया नाम दे दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग? अभया वुमेन्स लीग, शक्ति वुमेन्स लीग, अस्मिता वुमेन्स लीग, या आत्मनिर्भर वुमेन्स लीग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग? कौन सा नया नामकरण किया गया है, नया नाम दिया गया है? तो द न्यू नेम विच हैज बिन गिवन इज अस्मिता वुमेन्स लीग। क्या नाम दिया गया है? अस्मिता वुमेन्स लीग। पार्थ, योर करेक्ट अगेन, परफेक्ट, विनायक पार्थ, परफेक्ट, है ना? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा दिस खेलो इंडिया वुमेन्स लीग हैज बीन नेम टू अस्मिता वुमेन्स लीग, है ना? गवर्नमेंट्स डेडिकेशन टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड फॉस्टर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द स्पोर्ट्स, तो उस ताल्लुक में दिस इज सी शुड बी द परफेक्टली करेक्ट आंसर। मेरा बिल मेरा अधिकार, है ना? इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, जो भी आप उसको बोले, है ना, डिपार्टमेंट यू कैन कॉल, है ना? ICFAI, ICAI, CVIC, IRDIA, दीज आर द फोर ऑप्शंस गिवन टू यू। इसमें से किससे रिलेटेड है? मेरा बिल मेरा अधिकार, मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब आप अब सामान खरीदते हैं तो GST इनवाइस जो होती है ना, वो हमें लेना होती है, राइट टू क्लेम। तो उस ताल्लुक में इट इज रिलीज बाय CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इनके द्वारा बोला गया है, ना? इंटेंडेड टू इम्यू कंज्यूमर्स विद सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अश्योरेंस व्हेन मेकिंग द परचेसेस, व्हिच इज सेट टू स्टार्ट ऑन September 1st, इंटेंड टू एनकरेज प्रैक्टिस ऑफ आस्किंग फॉर बिल्स व्हाइल मेकिंग परचेसेस इन ऑर्डर टू डेवलप अ कल्चर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो नॉर्मली वी डोंट आस्क फॉर द बिल्स, बट देन व्हेन यू आर पेइंग मनी, है ना, इट इज योर राइट एंड यू नीड टू आस्क, बिकॉज इफ यू आर नॉट आस्किंग फॉर इट, इट मे रिजल्ट इन सम मेल प्रैक्टिस बेसिकली। तो उस ताल्लुक में इट इज मेरा बिल मेरा अधिकार, व्हेन यू आर पेइंग मनी इट्स योर राइट टू आस्क फॉर द बिल, एंड फॉर दैट उसको उसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सी BIC द्वारा इसको लॉन्च किया गया। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36। फार्मर्स इन पंजाब आर फेसिंग अटैक ऑफ पिंग बोलवॉर्म, है ना, इन देयर फील्ड्स। किस पर्टिकुलर, हम लोग यहाँ पर फसल की बात कर रहे हैं, वीट, राइस, कॉटन या मस्टर्ड, किस पर्टिकुलर फसल के ताल्लुक में दिस पिंक वुलवॉर्म जो होता है ना, उसका अटैक हुआ है, मतलब दिस जो उसको आप इंसेक्टिसाइड बोल सकते हैं, जिसके कारण पे फसलें बर्बाद हो रही है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर क्रॉप की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, है ना? और कहाँ इशू हुआ है? दिस इशू इज रिलेटेड टू फार्मर्स इन पंजाब, पंजाब के फार्मर्स इस इशू को फेस कर रहे हैं। यस पार्थ, वेरी गुड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉटन फील्ड, है ना, इन पंजाब लीस्ट एटलीस्ट 8 डिस्ट्रिक्ट आर फेसिंग फ्लड सिचुएशन ऑलरेडी, है ना, और उसके बाद में कॉटन बेल्ट जो स्टेट का है, दे आर फेसिंग पिंक बोलवॉर्म इन कॉटन फील्ड्स, है ना? तो यहाँ कॉटन फील्ड्स हमारा आंसर होना चाहिए। विच अथॉरिटी रिसेंटली अप्रूव्ड डोलापुर करौली टाइगर रिजर्व? इट इज गोइंग टू बी 54th टाइगर रिजर्व ऑफ आवर नेशन, 54वां टाइगर रिजर्व, और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व, आई बिलीव आई एम करेक्ट, 4th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, राजस्थान का चौथा,
और देश का 54वां टाइगर रिजर्व अभी अप्रूव किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस टाइगर रिजर्व, किसके द्वारा इसे अप्रूव किया गया है ना? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। विच अथॉरिटी रिसेंटली अप्रूव्ड द दुल्लापुर करौली टाइगर रिजर्व? इट इज 54 टाइगर रिजर्व, दैट इज ट्रू। इट इज फोर्थ ऑन राजस्थान, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट किस अथॉरिटी ने इसे अप्रूव किया है कुछ समय पहले? तो इट हैज बीन, यस यस, परफेक्ट 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 पार्ट, सी इज करेक्ट आंसर, है ना? सी इज करेक्ट आंसर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA द्वारा इसे अप्रूव किया गया। दे आर द अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन आवर नेशन। दिस इज गोइंग टू बी द 54th टाइगर रिजर्व ऑफ आवर कंट्री, राइट? कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द लैंग्वेज ऑफ ऑल द बिल्स एंड एक्ट्स इन पार्लियामेंट शुड बी इन इंग्लिश? कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि हमारे जो 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 दिस एक्ट है इनका नाम इंग्लिश में ही होना चाहिए? जो भी नए लाए गए ना, जिसमें चेंज कर दिए गए नाम, उसके अगेंस्ट में, मतलब उसका विरोध करते हुए, उसको क्रिटिसाइज करते हुए, देर वॉज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, एंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वॉज कोटेड, है ना? एंड दिस इज आर्टिकल 348, है ना? इस आर्टिकल 348 के अनुसार होता है कि व्हेन अ बिल इज देयर ना, इट शुड हैव द नेम, जो उसका नाम होना चाहिए, दिस नेम शुड बी इन हिंदी ओनली, राइट? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर यूज टू एलिवेट व्हीकल्स अंडर भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसको भारत NACP कहा जा रहा है ना, NACP, है ना? दिस वॉज ए न्यू सम टाइम बैक। इनमें से कौन सा, मतलब ये वो पैरामीटर है, वो सिस्टम है जिसके थ्रू सेफ्टी देखी जाती है कार्स की, है ना? NCAP, सॉरी NACP, भारत न्यू कार, सॉरी NCAP, NCAP वो भारत न्यू कार असिस्टेंस प्रोग्राम, NCAP, यस। तो इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर, कौन सा इसमें पैरामीटर नहीं है, विच इज नॉट रिलेटेड टू इट। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसमें क्या देखा जा रहा है, इसमें सेफ्टी देखी जाती है। तो एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, सेफ्टी असिस्टेड टेक्नोलॉजीज, मतलब सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज, इसमें फ्यूल इफिशियंसी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फ्यूल इफिशियंसी का सेफ्टी से ताल्लुक नहीं है, राइट? सो भारत NCAP ओनली एवलुएट्स व्हीकल बेस्ड ऑन देयर सेफ्टी फीचर्स, है ना? तो ये केवल सेफ्टी फीचर्स पर इसको एवलुएट किया जाता है, इसमें इट इज नॉट रिलेटेड टू द इफिशियंसी, फ्यूल इफिशियंसी, माइलेज एंड ऑल दोस थिंग्स नॉट रिलेटेड, मतलब उसमें फ्यूल कंजर्वेशन करना है एंड ऑल दोस वो नहीं, इसमें केवल सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो इट इज फ्यूल इफिशियंसी विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस, ऑल द अदर एस्पेक्ट आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस प्रोग्राम। और इसमें स्टार्स दिए जाते हैं, तो जितना बेहतर, जितने ज्यादा स्टार होंगे, उतनी ज्यादा हायर रेटिंग इसमें होगी, उतनी ज्यादा हायर सेफ्टी होने वाली है, राइट? तो यह द करेक्ट आंसर शुड बी फ्यूल इफिशियंसी। व्हाट परसेंटेज ऑफ ड्यूटी इज द सेंटर इम्पोज ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स? अ इजी वन, आई बिलीव दिस वॉज ऑल्सो डिस्कस इन आर दिस द हिंदू क्विज, है ना? हमने मेंटी क्विज में इसको डिस्कस किया था कि अनियन प्राइस जो है ना, वो मतलब अनियन के प्राइसेस में कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा डिस्करेज किया गया है एक्सपोर्ट को, और एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। कितना बढ़ा दिया गया? इट हैज बीन इंक्रीज टू, आंसर दिस, यस पार्थ, कोपल, निशिता, परफेक्ट 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 परफेक्ट, शास्त्री बिल्कुल सही बेटा, मानी आर ऑल्सो राइट, साकी आर ऑल्सो राइट, दिनेश, दृष्टि, एवरी वन ऑफ यू आर करेक्ट, दृष्टि यू डिड नॉट आंसर एनीवे। हाँ, बी नहीं है बेटा, इट इज डी, 40% जो है टैक्स कर दिया गया, जो हमारा अनियन एक्सपोर्ट होता है ना, उसको डिस्करेज करने के लिए, उसको कम करने के लिए 40% ड्यूटी लगा दी गई है। तो डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, राइट? देन व्हेन डिड द गुजरात गवर्नमेंट स्टार्ट द रीडेवलपमेंट ऑफ महात्मा गांधी साबरमती आश्रम? साबरमती आश्रम का इलाका, जो एरिया ना, 5 एकड़ से बढ़ा के 55 एकड़ कुछ करने का प्रयास किया गया, और ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू किया जा रहा था। उसमें बोला जा रहा था कि जो 250 कुछ फैमिलीज वहां पर है, उनको वहां से विस्थापित किया जाएगा। अब दैट प्रोग्राम स्टार्टेड अर्लियर बट स्टिल गोइंग ऑन, एंड रिगार्डिंग दैट वन आर्टिकल वॉज अगेन पार्ट ऑफ द हिंदू, और वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, व्हेन डिड द गुजरात गवर्नमेंट स्टार्ट द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ महात्मा गांधी साबरमती आश्रम? और इसका विरोध भी किया गया था, ये माना जा रहा था कि जो बेसिकली जो जो वहाँ की सेंटिटी है वो मेंटेन नहीं होगी, यू आर गोइंग टू चेंज, बट देन स्पिरिट विल बी लॉस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज यू नो दिस रीजंस वर गिवन। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जब बात करें, दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन ईयर 2021, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 21 में, राइट? और इसमें जो एरिया है वो 5 एकड़ से बढ़ा करके 55 एकड़ तक कर दिया, मतलब इतना एक्सटेंड करना था। एंड अराउंड 275 फैमिलीज और वेरियस रिलेटेड रिलोकेटिंग अराउंड 275 फैमिलीज एंड वेरियस ट्रस्ट, ये बात की गई थी। बट 2 साल हो चुके हैं, द रिलोकेशन प्रोसेस रिमेन्स इनकम्प्लीट विथ कंटिन्यूइंग कंसर्न अबाउट द रिडेवलपमेंट, है
ना, और रिडेवलपमेंट में जो वहाँ के स्पिरिट होगी, जो इशू होंगे बेसिकली, जो वहाँ पुराना एक जो चीजें सेट हो चुकी थी वो बदल जाएगा। सो दैट इज वाई इट वॉज, उसका विरोध किया गया 2020 में इट वॉज लॉन्च, द डी शुड बी करेक्ट हियर। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, अगेन रिलेटेड टू अनियन, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश हमारे देश के अनियन प्रोडक्शन का कितना प्रतिशत इन दो स्टेट से आता है? एमपी एंड महाराष्ट्र आर टू नेबरिंग स्टेट्स एंड दे टेक केयर ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन आर नेशन, कितना प्रतिशत दीज टू स्टेट्स आर टेकिंग केयर ऑफ। एंड बिकॉज दीज टू स्टेट्स हैड गॉट दिस डिफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ डिफिशियंट रेनफॉल हुआ था, है ना, इसलिए यहाँ पर लो रेनफॉल के कारण पे प्रोडक्शन हिट हुआ और उसके कारण पर प्राइजेस जो है वो बढ़ रही थी, जिसको रोकने के लिए गवर्नमेंट द्वारा 40% दिस ये कर दिया गया था, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। विच टू स्टेट्स मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, विच परसेंटेज? 40%, सॉरी 60%, कितना? 60%, 40% तो टैक्स है ना, 60% इज दी अकाउंट, मतलब दिस प्रोडक्शन जो होता है इन दो स्टेट्स में ही होता है ना। तो 40% टैक्स की बात करें, 40%, और अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन, 60% इन दीज टू स्टेट्स ओनली, राइट। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43, विच एजेंसीज हैव बीन असिस्टिंग इसरो इन मॉनिटरिंग चंद्रयान 3's हेल्थ? कौन से एजेंसी? चंद्रयान 3 में व्हेन लॉन्च किया गया ना, तो इट इज नॉट जस्ट इसरो वाज डूइंग ग्रेट जॉब, एट द सेम टाइम वी वर टेकिंग हेल्प ऑफ वेरियस अदर एजेंसीज, बिकॉज दे हैव गॉट देयर इंस्टॉलेशंस इन स्पेस, तो उनके थ्रू हम लोग अपने चंद्रयान की जो हेल्थ चेक जो है ना वो करना चाह रहे थे। तो वी वर टेकिंग मॉनिटरिंग ऑफ द चंद्रयान 3, हेल्थ वॉज बींग डन थ्रू अदर एजेंसीज टू, एंड विच वर हेल्पिंग अस, वी वर बींग हेल्प बाय द फर्स्ट ऑप्शन, है ना, किनके द्वारा? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा हमारी मदद की जा रही थी, नासा एंड ईएसए। एंड आई डिड डिस्कस दिस थिंग अर्लियर कि जो हम लोग रशियन की बात करते हैं ना, तो रशिया का जो दिस लूना 25 लॉन्च किया गया था, इट वॉज लाइक, मतलब उसको मदद नहीं की गई बिकॉज द प्रिवेलिंग सिचुएशन यूएस यूक्रेन वॉर के कारण पर। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन, बिकॉज देर वॉज नो हेल्प या कॉपरेशन गिवन टू रशिया, बट देन वी गॉट दिस हेल्प एंड कॉपरेशन। तो नासा ईएसए वर द टू एजेंसीज विच वर हेल्पिंग अस फॉर ट्रैकिंग चंद्रयान 3, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44 सेज, हाउ मेनी पीक कॉन्करेंट व्यूअर्स डिड चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट अचीव? क्यों पूछा जा रहा है? बिकॉज वी क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब एक साथ इतने सारे लोगों द्वारा कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखी गई थी जैसा कि चंद्रयान 3 के केस में हुआ था, राइट। तो इट इज सिंपली बीइंग आस्क्ड कि वी डिड क्रिएट रिकॉर्ड, बट व्हाट वाज द रिकॉर्ड? कितने मिलियन लोगों द्वारा एक साथ ये दिस स्ट्रीमिंग देखी गई थी ऑन द चैनल, और जो दिस इसरो का ऑफिशियल चैनल, इसरो ऑफिशियल जो चैनल था ना, उस पर एक साथ देर वर 8 मिलियन व्यूवर्स। कितने थे? 8 मिलियन व्यूवर, 8 मिलियन मतलब 80 लाख लोगों द्वारा एक साथ देखा गया था। पीक करंट जो था ना, दैट वाज 80 लाख, 8 मिलियन लोग एक साथ देवर वाचिंग दिस पर्टिकुलर मोमेंट। तो पीक करंट वाज 80 लाख पीक करंट, एंड वी डिड क्रिएट अ रिकॉर्ड, है ना, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड जो है ना, वो इंप्रेसिव फीट जो हमारे द्वारा ये बनाई गई, है ना, हाइएस्ट मोस्ट वॉच लाइव स्ट्रीम ग्लोबली एवर, राइट। एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड, मतलब ये एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था, राइट, कि दिस इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड, एंड इट वॉज रिकॉर्ड। इनफैक्ट 8 मिलियन व्यूवर्स वर देयर व्हेन दिस लाइव ब्रॉडकास्ट वॉज हैपनिंग, मतलब पीक करंट जिसकी हम बात करें। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप वॉज ऑर्गेनाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस देश में अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कुछ समय पहले आयोजित की गई, है ना, विच कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट? बिल्कुल कंफ्यूजन, अजरबैजान की यहाँ स्पेलिंग शायद गलत है, बट देन दिस ऑप्शन इज बिन गिवन, अजरबैजान, हंगेरी, स्वीडन एंड फ्रांस आर द फोर ऑप्शन गिवन टू यू। स्पेलिंग पर मत देखिए, आप समझ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से स्पेलिंग पर मत देखिए, इसका मतलब स्पेलिंग सही नहीं है, ऐसा भी मतलब नहीं है, मतलब नॉट द करेक्ट आंसर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पेलिंग ओनली, राइट। देखिए अजरबैजान में हुआ था अभी कुछ समय पहले चेस चैंपियनशिप, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो हुई थी ना वहां पर, मतलब वर्ल्ड कप हुआ था चेस का, सॉरी चैंपियनशिप नहीं, वर्ल्ड कप चेस। तो वर्ल्ड कप हुआ था अजरबैजान में चेस का, जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है दैट वॉज हेल्ड इन हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी में हुई है ये, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चेस वर्ल्ड कप इन अजरबैजान बाकू, बाकू इज द बर्थ प्लेस ऑफ गैरी कास्पारोव, है ना, तो गैरी कास्पारोव वन ऑफ द रशियास ग्रेटेस्ट मतलब वर्ल्ड चैंपियन इन टर्म्स ऑफ चेस, तो ही वॉज बॉर्न इन बाकू अजरबैजान, वहां पर हुई थी वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप, सॉरी। और एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई है वो बुडापेस्ट हंगरी में हुई है, जहां पर गोल्ड जीता गया बाय आर दिस नीरज चोपड़ा, राइट। सो हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड द फाइनल्स ऑफ फिडे वर्ल्ड कप? किसके द्वारा ये वर्ल्ड कप, फिडे वर्ल्ड कप मतलब हम लोग बात कर रहे हैं चेस वर्ल्ड कप किसके द्वारा खेला गया था फाइनल? हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड द फाइनल्स ऑफ फिडे वर्ल्ड कप? अमंग द फोर इंडिविजुअल्स, यानी चार नाम दिए गए ना जो हमारे अभी के टॉप फोर प्लेयर्स हम मान के चले,
उनमें से किन ने फाइनल खेला है, मोस्ट हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड द फाइनल। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? या वो अमंग द फॉलोइंग वाज द रनर्स अप ऑफ द वर्ल्ड कप, ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। हु केम सेकंड आफ्टर मैग्नस कार्लसन वेंट ऑन टू विन एंड ही डिफिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन, है ना। सो यहां पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा शुड बी द करेक्ट आंसर। ही इज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड एंड ही हैज ऑलरेडी डिफिटेड मैग्नस कार्लसन मेनी टाइम्स एंड ही वेंट फॉर दिस टाई, मतलब 1-1 से बराबर थे एंड थर्ड जो था ना टाई ब्रेकर के बाद में जब मैच हुआ तो फिर उसमें दिस मैग्नस कार्लसन वेंट ऑन टू विन, है ना। तो आर प्रज्ञानंदा शुड बी द करेक्ट आंसर एंड उनके द्वारा दिस सेमीफाइनल में फैबियो करोना को हराया गया था। तो वर्ल्ड नंबर टू नंबर थ्री इन्होंने हरा दिए थे, नंबर वन से ये हारे हैं, बट देन ग्रेट कमेंडेबल जॉब ही हैज डन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 सेज व्हिच कंट्री हैज वॉन मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप टिल नाउ। विमेंस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो अभी प्रेजेंट विमेंस वर्ल्ड कप जो है वो स्पेन द्वारा जीता गया, स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता है और दे वर द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टाइम दे वेंट ऑन टू विन एंड दे आर द ओनली सेकंड कंट्री जिनके द्वारा मेंस वर्ल्ड कप और विमेंस वर्ल्ड कप दोनों जीते गए हूँ। तो दे आर द ओनली सेकंड कंट्री आफ्टर जर्मनी। जर्मनी ने मेंस वर्ल्ड कप भी जीते हैं और विमेंस वर्ल्ड कप भी जीते हैं। स्पेन इज बिकम द सेकंड नेशन। बट हम यहाँ पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा दफा, सबसे ज्यादा बार किस देश ने वर्ल्ड कप जीते हैं, विमेंस वर्ल्ड कप जीते हैं। तो यूएस वेंट ऑन टू विन द विमेंस वर्ल्ड कप फॉर 4 टाइम्स। कितनी बार? 4 दफा जीत चुके हैं। ये 8वां वर्ल्ड कप था। इसके पहले हमेशा इट इज ऑलवेज जो है ना यूएस या तो वो जीतते थे या कि वो सेकंड या थर्ड आए हैं। तो दे आर 4 टाइम दे वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप, वंस दे वर रनर्स अप एंड थ्राइस दे वर द थर्ड। तो एवरी टाइम दे गॉट सम मेडल। दिस टाइम इट डिडंट, मतलब ऐसा नहीं हुआ, उनको इस बार मेडल नहीं मिला। बट स्पेन ना अभी जीते हैं एंड यूएस आर द विनर्स फॉर 4 ओकेजन। यूएस हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 48, विच बॉडी वॉज वर्ल्ड बॉक्सिंग सेट अप टू ट्रैवल। वर्ल्ड बॉक्सिंग एक ना एक बॉडी बनाई गई, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और किस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना रिलेटेड टू वर्ल्ड बॉक्सिंग ओनली, उससे रिलेटेड दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, मतलब एक राइवलरी की तरह उसको बना लिया गया है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन या वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, किस पर्टिकुलर बॉडी के अगेंस्ट में वर्ल्ड बॉक्सिंग सेट किया गया है और उसको कई सारे देशों द्वारा ज्वाइन भी किया जा रहा है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। वर्ल्ड बॉक्सिंग एस्टेब्लिश एज कॉम्पिटिटर टू इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन हैज रिवील्ड इट्स 6 ऑफिशियल मेंबर्स, जिसमें से कई देश द्वारा इनको ज्वाइन किया जा रहा है ना। यूएस, देन न्यूजीलैंड, देन ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड एंड डच आर दी कंट्रीज विच आर ज्वाइनिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग एंड इट्स बीन एस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से अलग होकर के एक वर्ल्ड बॉक्सिंग अपने आप में अलग से बनाया जा रहा है एंड दीज आर द नेशंस हु आर गोइंग टू ज्वाइन इट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 49, हु इज सेट टू बिकम द नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन टू प्रमोट ग्रेटर वोटर पार्टिसिपेशन। बिकॉज चुनाव का समय आने वाला है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, एट द सेम टाइम आगे जाकर देखें तो फिर मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। सो किसे इलेक्शन कमीशन द्वारा एम्बेसडर बनाया गया, नेशनल आइकन बनाया गया अभी रिसेंटली? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, एम एस धोनी है, सचिन तेंदुलकर, इनमें से सचिन हैज बिकम द नेशनल आइकॉन फॉर इलेक्शन कमीशन। सचिन को अभी नेशनल आइकॉन बनाया गया फॉर इलेक्शन कमीशन। विद दिस वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड द लास्ट क्वेश्चन सेज द 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स आर सेट ऑफ रूल्स, है ना। एआई के ताल्लुक में इसे देखें तो रोबोटिक्स के ताल्लुक में 3 लॉज किसके द्वारा बनाए गए थे? हु अमंग द फॉलोइंग राइटर जिनके द्वारा ये 3 लॉज जो है ना वो बनाए गए थे, राइट। तो इसमें से आंसर जो हमारा होगा दैट इज गोइंग टू बी यस, लास्ट क्वेश्चन है, कर दीजिए आंसर। 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स बेसिकली राइटर थे, ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई स्पेसिफिक लॉ बनाया, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक में इनके द्वारा लॉज लिखे गए थे बट वो फिक्शनली बुक थी बेसिकली, और उसमें बोला गया था दिस इसाक एसिमोव, 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स वर डिजाइन टू गवर्न द रोबोटिक बिहेवियर एमिंग फॉर द इथिकल एक्शंस, बट विद इन हिज फिक्शनल वर्ल्ड जिन किताब में उन्होंने बात की, द लॉज लेड टू अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफर पैराडॉक्सिकल आउटकम्स। सो दिस इज रिलेटेड टू वन बुक, ही इज अ राइटर, उस बुक में इन्होंने लिखा था। तो इसाक असिमोव शुड बी द आंसर, 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स इनसे एसोसिएटेड है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, वी कम टू द कंक्लूजन, मतलब वी आर कंक्लूडिंग द लेक्चर हियर। होपफुली थिंग्स आर वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। इफ यू गॉट एनी ऑफ यू मैक्सिमम स्कोर जो आपका आया, यू कैन शेयर द स्कोर हियर एंड वी आर गोइंग टू मीट नेक्स्ट वीक देन। तो नेक्स्ट वीक हमारा जो डिस्कशन होगा दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 27th टू 3rd ऑफ ऑगस्ट, राइट, 3rd ऑफ सेप्टेम्बर, सॉरी, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट 7 डेज का रहेगा।
तो 31st का अगर दिन है तो इट इज गोइंग टू बी थर्ड ओनली. यस परफेक्ट. चलिए ओके बेटा, तो हियर वी कंक्लूड टुडेज डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. वी आर गोइंग टू मीट अगेन नेक्स्ट वीक. प्रिपेयर इटसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ बाय रीडिंग न्यूज़पेपर. द हिंदू में से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो यू नीड टू रीड दैट. ओके देखिए मेंटी क्विज बेटा, आई विल एक्सप्लेन. मेंटी क्विज इज ऑन ट्यूजडे एवरी वीक, एंड दैट मेंटी क्विज इज बेस्ड ऑन द हिंदू दिस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन वी टेक. तो इट इज टेकन ऑन एवरी ट्यूजडे. दिस क्विज वॉज अबाउट इज टेकन ऑन वेडनेसडे ओनली, बट वेडनेसडे यस्टरडे वॉज रक्षाबंधन, दैट इज वाई इट इज बीइंग डिस्कस टुडे. है ना, तो देर आर टू क्विजेस. वन इज मेंटी क्विज ऑन ट्यूजडे, अनदर इज दिस अपना सी जीपीटी क्विज ऑन वेडनेसडे बीइंग डन टुडे बिकॉज ऑफ रक्षाबंधन. तो वी आर गोइंग टू मीट अगेन नेक्स्ट वीक ऑन वेडनेसडे 8 o'clock इवनिंग. है ना, शाम को 8 बजे वी आर गोइंग टू मीट. ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर बीइंग हियर. वी आर गोइंग टू मीट नेक्स्ट वीक. इनफैक्ट वी आर गोइंग टू मीट टुमारो मॉर्निंग 11 o'clock फॉर आर द हिंदू डिस्कशन. चलिए, थैंक्स अ लॉट बेटे. थैंक यू, बाय. वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.